हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको सर्किल, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप लोटस यानी कमल का फूल बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको करना क्या होगा, पहले तो आप मार्कर, पेपर, पेंसिल जो भी है आपके पास आप उठा लीजिए दोस्तों और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ड्राइंग जो है कोई टैलेंट नहीं होता दोस्तों, ये एक स्किल होता है। जितने आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ड्राइंग जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आप करना क्या होगा, यहाँ पे सर्किल बनाइएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे वर्टिकल लाइन, फिर बीच से एक हॉरिजेंटल लाइन आपको ड्रॉ करना होगा। अब देखिएगा, यहाँ तक हो जाने के बाद बीच में एक छोटा सा पॉइंट लगेगा हमारा। पॉइंट लगाने के बाद ऊपर के साइड में एक पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिएगा। देखिएगा, अब आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से एक हाफ सर्कल बनाएंगे। देखिए कैसे बनाना, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको ऐसे बीच में जो है थोड़ा सा ऊपर की उभार रहेगा और अंदर की तरफ यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ रहेगा। सेम प्रोसेस इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप बनाना सिखा देंगे। फिर एक यहाँ से बीच से जो है एक ऐसा हल्का सा हाफ सर्कल इधर बाहर की तरफ, सेम प्रोसेस इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। यानी कि आपको यहाँ से हाफ सर्कल बनाते हुए और इस वाले जो है सर्कल के साथ मिलाना होगा, यहाँ पे भी मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से अंदर की तरफ करिए, फिर इसको बाहर की तरफ करते हुए आप यहाँ पे ऐसे इस लाइन पर मिला दीजिएगा। सेम प्रोसेस इधर भी ऐसे रिपीट, हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे छोटा सा हाफ सर्कल, इसको घुमाते हुए आप यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा। नीचे के साइड में इसको भी हम ऐसे थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद दोस्तों, एक छोटा सा यहाँ पे भी आपको ऐसे आर्क लगाना होगा, एक यहाँ पे ऐसे लगा दीजिएगा। इसको भी अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे ऐसे नीचे के साइड में मिला देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट कर दीजिए। देखिए कितनी आसानी से ये हमारा कमल का फूल का ऊपर वाला हिस्सा बनके तैयार हो गया है। और आपको ये भी हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों कि हमारा ये लोटस फ्लावर जो है क्या है, यानी जैसे नेशनल हमारा नेशनल एनिमल है, टाइगर है, ये हमारा नेशनल क्या है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। बहुत ही आसान सा हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। फिर इसके बाद देखिएगा, यहाँ से आपको करना क्या है, एक हाफ सर्कल बनाइएगा, इसको नीचे के साइड में मिला देंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे भी ऐसे एक हाफ सर्कल नीचे के साइड में, एक यहाँ पे, सेम प्रोसेस इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। ये हमने जो सर्किल और प्लस सिंबल बनाया है, इसकी हेल्प से जो है हमारा जो लिप्स बनेगा ये एक जो है सेम डिस्टेंस पर बनेगा, तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। अब देखिएगा, यहाँ से आप ऐसे इसको ऐसे डबल करिए, सेम प्रोसेस इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। डबल करने के बाद अब आप बहुत ही आसान तरीके से पेंसिल की हेल्प से या मार्कर की हेल्प से आप यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इसको भी हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से लोटस का फ्लावर बनके तैयार हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।